स्वागत है। रविवार को शहर के समस्त बाजार कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए बंद रखे गए हैं। विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा हाल ही में रविवार को समस्त बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने बताया कि जिले व शहर में जो जो कोरोना संक्रमण बढ़ता गया त्यों त्यों व्यापारियों की प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने की मांग बढ़ती जा रही थी। हाल ही में व्यापारियों ने इस संबंध में निर्णय लिया और रविवार को बाजार बंद रखने पर सहमति बनी, जिसका व्यापारियों द्वारा समर्थन करते हुए रविवार को शहर के समस्त बाजार बंद रखे गए। तोदी ने व्यापारियों द्वारा दिखाई गई जागरूकता को सराहनीय कदम बताते हुए सभी व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको बता दें, रविवार को शहर के बाजार बंद रहने के दौरान बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, केवल वाहन ही इधर उधर चलते नजर आए। बाजार पूर्णतया बंद रहा। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। सुजानगढ़ में जो रविवार का बंद का जो फैसला समस्त व्यापारिक संगठन ने लिया है, यह पूरे राजस्थान में कोरोना महामारी जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसके कारण सुजानगढ़ के व्यापारी संगठनों ने निर्णय लिया है कि रविवार को समस्त व्यापारी संगठन एक साथ मिलके और ये व्यापार बंद रखें। बंद रखने से एक दिन अगर व्यापार बंद रहेगा तो कोरोना महामारी में रिलीफ मिलेगी और हो सकता है धीरे धीरे उसकी चेन भी थोड़ी टूटेगी, चेन कम भी होगी। इसलिए समस्त व्यापारी संगठनों ने सामूहिक रूप से लिखित में ये निर्णय लिया, सब मिलजुल के बैठ के सबने बात करके ये निर्णय ले लिया कि भाई हम रविवार महामारी को देखते हुए बाजार बंद रखेंगे। और इसकी हमने सूचना प्रशासन को दे दी है, प्रशासन ने भी हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है व्यापारी संगठन को कि आप लोगों ने अच्छा निर्णय किया है। जो समस्त व्यापारिक संगठनों ने जो निर्णय लिया था उसका सभी व्यापारियों ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही बढ़िया व्यापारी संगठनों को बंद करके बहुत ही अच्छा ये मैसेज दिया है। और इससे आज ये पता चलता है कि समस्त व्यापारी संगठनों ने आह्वान पर जो व्यापारियों ने बंद रखा है वो पूर्ण संपूर्ण व्यापार बंद रहा है। इसके लिए मैं समस्त व्यापारियों को धन्यवाद देता हूँ।